Hi everyone, this is me Meenakshi Barwani and I'm back with my story. But before we begin our story, हमने हाल ही में सुना है 10th बोर्ड के रिजल्ट आए, 12th बोर्ड के रिजल्ट आए. काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट से काफ़ी खुश है, कुछ उदास है, कुछ ट्रैजिक स्टोरीज भी हमने सुनी बोर्ड को लेकर. शायद ये स्टोरी आसपास वहीं कहीं रोटेट कर रही है, सो आई होप यू लाइक दिस. एक बार एक हाथी बड़ी दूर सफ़र करता जा रहा था. रास्ते में उसे एक गाँव दिखा. उस गाँव में बहुत सारे हिरन थे. तो हाथी ने सोचा थोड़े दिन इसी गांव में रुक जाता, जल्दी वो सारे हिरन उसके दोस्त बन गए. एक दिन हाथी ने बातों बातों में कहा, यार बड़ी भूख लग रही है, ये पेड़ पौधे पत्ते खाकर परेशान हो गया हूँ, कुछ ढंग का खाना खाना चाहता हूँ. क्या कहीं आसपास कोई खेत है जहाँ पे गन्ने मिले या कुछ और केले मिले, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले? तो गाँव के हिरन ने कहा, हाँ यहाँ पर बहुत सारे खेत है कुछ ही दूर, लेकिन ये सारे ना इंसान संभालते हैं और ये इंसान बड़े बदमाश हैं. इन्होंने क्या किया है, सारे खेतों के आसपास तारों की एक चेन लगाई है. अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें वो तारे चुभेंगी और तुम अंदर नहीं घुस पाओगे. लेकिन हम भी कम बदमाश नहीं हैं, हमने एक सुरंग बनाई है जो यहाँ से शुरू होती है और सीधा खेतों के बीच में निकलती है. तुम चाहो तो तुम अपनी सुरंग बना सकते हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं. हाथी ने थोड़ा सोचा कि शायद वो अपनी सुरंग बना ले, लेकिन फिर दूसरे हिरन ने कहा, क्यों इतनी मेहनत करनी है, सुरंग बनी हुई है इसी से निकल जाओ. हाथी को भी बात बड़ी लॉजिकल लगी. हाथी को भी लगा, चलो बनी बनाई सुरंग है, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों नई सुरंग बनाऊं, क्यों नया रास्ता बनाऊं, जो बना हुआ रास्ता है उसी पर चल देते. हाथी उस सुरंग में उतर गए. हाथी चलते गए सुरंग में, बड़े खुश थे कि बस थोड़ी दूर और बहुत सारे गन्ने खाने को मिलेंगे. अचानक से सुरंग के एक हिस्से में जाके हाथी फंस गए. हिरन तो बड़े आराम से निकल जाते थे क्योंकि हिरन बड़े पतले थे, पर हाथी उस सुरंग के अंदर फंस चुके थे. हाथी ने मदद मांगी हिरनों से, उन्होंने बड़ी कोशिश की हाथी को सुरंग से निकालने की, पर जिस हिस्से में वो फंसे हुए थे वो हिस्से की खुदाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ पर बड़ा एक मोटा सा पत्थर आके अटक चुका था. काफ़ी समय तक हाथी परेशान रहे, कोशिश करते रहे पर नहीं निकल पाए, और देखते देखते कुछ दिनों में हाथी ने दम तोड़ दिया. हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. कई बार हम अपनी ज़िंदगी के नए रास्ते बनाने की कोशिश करते क्योंकि हम दूसरों से अलग हैं, लेकिन फिर सोसाइटी के कई मेंबर्स, कई लोग आके हमको ये समझाते हैं कि जब रास्ते बने हुए हैं तो हमें नए रास्ते खोजने की मेहनत क्यों करनी है, और कहीं ना कहीं हम भी उस बात से कन्विंस हो जाते हैं और नए रास्ते ढूंढने की कोशिश बंद कर देते हैं और उन्हीं रास्तों पर चल देते हैं. और थोड़े समय बाद, काफ़ी समय बाद, हमको ये रियलाइज़ होता है कि शायद ये रास्ते हमारे लिए नहीं बने, पर हम उस मोड़ में आके अटक जाते हैं कि हम उस रास्तों से नहीं निकल पाते और ज़िंदगी और हमारे ख्वाब वही दम तोड़ देते हैं. ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सबने कोई चीज़ की है ज़रूरी नहीं है हमें भी करना. आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 60% आए, 50% आए, 70% आए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. आप अगर 70% लेकर आ रहे हो और आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, यू गुड एट समथिंग एल्स, देन दैट्स ओके, यू हैव अ न्यू वे ऑफ लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि जो सबने किया है वो हमें करना है. हम सब अपने आप में कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है. इस दुनिया को हाथी की भी ज़रूरत है और हिरन की भी ज़रूरत है, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम सबके रास्ते अलग अलग होंगे और हमें अपने रास्ते खुद तय करने हैं. सो दोस्त, अपने रास्ते खुद बनाना सीखो. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.